Hello student, I am Amit. This is the third video of your chapter motion. Okay, so we have read velocity, but in this video we are going to discuss about uniform and non-uniform velocity with average velocity. Okay, so what is uniform and non-uniform velocity? So concept of uniform and non-uniform velocity is same as uniform and non-uniform speed. Means in uniform speed, if object cover equal distance in equal interval of time, then we will say that the speed of an object is uniform. Otherwise, it is non-uniform. So, if an object cover equal displacement in equal interval of time, then we will say that object has uniform velocity. Otherwise, it has non-uniform velocity. Okay? Simple यही है यहाँ पे अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे कि उस बॉडी उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अदरवाइज उसके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी. बट here we have to study average velocity. So average velocity equals to initial plus final velocity divided by 2. Formula se hum samjhenge. Theek hai, average velocity equals to initial plus final velocity divided by 2. Now we will understand acceleration. Okay, now we will understand acceleration. Okay, so the rate of change of velocity is called acceleration. Okay, the rate of change of velocity is called acceleration. A equals to V minus U by T, where V final velocity, U initial velocity, T time taken in that change. Clear? आप acceleration ऐसे समझो कि अगर कोई body में किसी body में कितनी velocity change हुई एक unit time में, उसकी velocity कितनी change हुई एक unit time में, उसको हम बोलेंगे acceleration. ठीक है? Acceleration का आप simple example देखते होगे, जब कोई एक train इसको स्टेशन से छूटती है तो आप देखते होगे कंटिन्यूअसली वो अपने स्पीड को इनहेंस करती रहती है. तो कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड बढ़ती रहती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होती चली जाती है, फाइनल वेलोसिटी हर एक टाइम पे बढ़ती चली जाती है. तो हम ये बोलेंगे कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है. या आप सिंपल आपने बाइक स्टार्ट की या आपने अपनी साइकिल स्टार्ट की, आप स्टार्ट कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे आप उस साइकिल को या अपने बाइक को स्पीडअप करोगे. सो आप स्पीड अप करने के टाइम में आप एसेलरेट कर रहे होते हो. क्या कर रहे होते हो? एसेलरेट. ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ एसेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एसेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एनी मोशन इन विच देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेटेड मोशन. किसी भी मोशन में जिसमें वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम एसेलरेटेड मोशन बोलेंगे. इन अदर वर्ड अ मोशन विच इज नॉन यूनिफॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेटेड मोशन. ये ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को. देखिए, जब एसिलरेटेड मोशन तब तक हम नहीं बोलेंगे किसी बॉडी में, ये नहीं बोलेंगे कि वो एसिलरेटेड मोशन कर रही है जब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. तो आप ये बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है या कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इट मस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेटेड मोशन. क्लियर. एनी मोशन इन विच देयर इज एन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एसिलरेटेड मोशन. इन अदर वर्ड अ मोशन विच इज नॉन यूनिफॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेटेड मोशन. क्लियर. इफ वी ग्रेटर देन यू, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होगी तो आपका एसिलरेशन पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होगी, स्मॉलर होगी, देन एसिलरेशन आपका नेगेटिव होगा. नेगेटिव एसिलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन. नेगेटिव एसिलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है. इफ वी इक्वल टू यू, अगर वी यू के इक्वल है तो आपका एसिलरेशन जीरो हो जाएगा. ओके, यहां पे आप देखिए वी इक्वल टू यू हो गया तो आपका एसिलरेशन जीरो हो गया. तो मोशन इज नॉन एसिलरेटेड. तो आप ये बोलेंगे मोशन नॉन एसिलरेटेड है. क्यों? मोशन नॉन एसिलरेटेड मतलब स्पीड या वेलोसिटी बॉडी की क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी. क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी. क्लियर. नाउ वी विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल और फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप.
ओके क्वेश्चन ये है कि एक ओडोमीटर है, ओडोमीटर आपको पता है मैंने बता रखा है कि क्या करता है, मीजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल, कितनी डिस्टेंस एक व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है उसको मीजर करता है। तो एक कार का ओडोमीटर है, ट्रिप स्टार्ट होने से पहले उस पे 2000 किलोमीटर की रीडिंग आ रही थी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन या ट्रिप के एंड पे पहुंच गया तो उस पे जो रीडिंग आ रही थी वो 2400 किलोमीटर की आ रही थी। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो अगर कह रहा है कि अगर पूरी ट्रिप में 8 घंटे लगे 2000 से 2400 किलोमीटर तक, मतलब 2000 किलोमीटर टू 2400 किलोमीटर तक जाने में 8 घंटे लगे, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कार की किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकेंड में। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 2000 मीन्स 400 किलोमीटर। टाइम टेकन बाई कार टू कवर दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 किलोमीटर गिवन है आपको। सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 400 एंड टाइम टेकन 8, 8 डिवाइड बाई 40, 400 डिवाइड बाई 8 वी गेट 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी विल कन्वर्ट 50 दिस स्पीड इन टू आ मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इन मीटर पर सेकेंड 50 इंटू 1000, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इन टू आ मीटर, तो 50 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड, 3600 आर 60 इंटू 60 सेकेंड। सो 50 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 वी गेट 13.9 मीटर पर सेकेंड, 13.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन मीटर स्पीड एंड हेयर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो ये स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और ये स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में है, क्लियर। नाउ अनदर क्वेश्चन, उषा स्विम्स इन अ 900 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट एंड बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एक स्विमिंग पूल है 90 मीटर लॉन्ग है, तो उषा क्या करती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहां तक आती है अपने एंड पॉइंट तक, फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है। तो आपसे पूछा है आपसे कि ये उषा की आपको एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, देखिए पूल कितना लंबा है 90 मीटर का, लेकिन वो जा रही है और रिटर्न भी हो रही है, तो 90 और प्लस 90 मींस 180 मीटर, और ये पूरा कवर उसने कितने टाइम में किया है, 1 मिनट में। तो टाइम टेकन बाय उषा इन मूविंग 180 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। सो देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बिकॉज उषा बैक टू हिज इनिशियल पोजिशन। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 मीटर। सो एवरेज स्पीड, नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर 90 प्लस 90 मीन्स 180 एंड टोटल टाइम टेकन 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो वी गेट 3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 बिकॉज उषा रिटर्न टू हिज ओरिजिनल पोजिशन और स्टार्टिंग पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 60 वी गेट 0। सो एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा इज 0। 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही है, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, क्लियर। ओके थैंक यू।